हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमेत्रेर ऑफ वर्ल्ड एमर्सन की जो एक काफ़ी फैंटास्टिक पोएम है, इसकी समरी के बारे में और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। हेमेत्रेर का जो रियल मतलब है वो तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये हमारी जो विष्णु पुराण है, हमारी इंडियन माइथोलॉजी में आपने पुराण के नाम तो सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, तो इसका जो टाइटल है या जो पोएम है ये विष्णु पुराण के एक पैसेज से ली गई है। ठीक है, विष्णु पुराण में एक समरी आती है, एक बोल सकते हैं हम कन्वर्सेशन आता है जब महर्षि पाराशर, आपने नाम सुना होगा पाराशर ऋषि, और बहुत सारे ऋषि हुए हैं अपने हिंदू धर्म में, तो महर्षि पाराशर मैत्रेय नाम के अपने शिष्य से कन्वर्सेशन करते हैं, जो मैत्रेय पूछता है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, तो पाराशर उसको रिप्लाई देते हैं। तो वो कन्वर्सेशन है विष्णु पुराण में कि जो फिजिकल मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है एक्चुअल में वो क्या है और हमको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ मैत्रेय डायरेक्ट टाइटल नाम नहीं दिया है इमर्सन ने, और हेमेत्रेय दिया है, तो इसको कई बार लोग थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करके बोलते हैं हे मैत्रेय, यानी ओ मैत्रेय। ठीक है, तो इसका हेमेत्रेय टाइटल है, हालांकि इसका क्लेरिफिकेशन इमर्सन ने नहीं दिया है, बट इंडियन क्रिटिक्स इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम समरी को समझ लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेमेत्रेय जो इमर्सन की पोयम है वो किस फिलोसफी पे आधारित है, तो इंडियन हिंदू माइथोलॉजी या फिलोसफी पे आधारित है, और इसका रिलेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये किस पुराण से रिलेट करती है, इसकी जो कहानी है वो किससे ली गई है, तो वो विष्णु पुराण है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसका वैसे ओवरऑल थीम क्या है मैं एक बार बता देता हूँ ताकि पोएम आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। जो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड है यानी इंसान प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की कोशिश करता है, उसको अपना मानता है और उसमें लगा रहता है, तो यहाँ वो चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ भी रियल में परमानेंट नहीं है, इंसान का कुछ नहीं है, इंसान मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है, इसलिए इस तरह की गलती ह्यूमन बीइंग को नहीं करनी चाहिए। तो उसी को लेके हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बल्कले हंच विलार्ड हॉस्मर मैरियम फ्लंच, ये यहाँ सब नाम दिए हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक अमेरिकन राइटर इंडियन नाम तो नहीं लेता, तो उसने कुछ एक इंग्लिश नाम दिए हैं। बल्कले हंच विलार्ड हॉस्मर मैरियम फ्लिंट पोसेस्ड द लैंड विच रेंडर्ड टू देयर टॉयल, हे कॉर्न रूट्स हैम फ्लैक्स एप्पल्स वूल्स फूड्स, ईच ऑफ दीज लैंडलॉर्ड्स वर्क्ड अमिड हिज फार्म। तो ये जो नाम है ये सब लोग जमीन जो उनको लगता था कि उन्होंने परिश्रम से खरीदी है बनाई है उसके अधिकारी थे, यानी उसके मालिक थे। हे कॉर्न रूट्स हैम फ्लैक्स एप्पल्स वूल्स, ये सभी जो नेचुरल चीज़ें हैं, एप्पल्स लकड़ियाँ ऊन, ठीक है, रूट्स फसलें, ये सभी चीज़ें उनके उस फार्म में यानी उनकी जो जगह थी जमीन थी उसमें होते थे। ईच ऑफ दीज लैंडलॉर्ड वर्क्स अमिड हिज फार्म, और वो अपने फार्म हाउस में यानी जो उनके खेत हैं जमीन है थी वहाँ आराम से टहलते थे। सीइंग दिस माइन माई चिल्ड्रंस एंड माई नेम, ये सभी चीज़ें मेरी हैं यानी ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये फार्म हाउस मेरा है, मेरे बच्चों का है, मेरे बच्चों के नाम पे है, मेरे नाम पे है। हाउ स्वीट द वेस्ट विंड साउंड्स इन माई ऑन ट्रीज, और वहाँ जो हवा चलती थी वहाँ अपने प्रॉपर्टी में जब वो घूमते थे तो कहते हैं कि कितनी अच्छी हवा चल रही है, वेस्ट विंड है जो कितने अच्छे से चल रही है। हाउ ग्रेसफुल क्लिम दोज शैडोज ऑन माई हिल, और जो पेड़ बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी छाया कैसे हमारे फार्म हाउस में दिख रही है। आई फैंसी दीज प्योर वाटर्स एंड द फ्लैक्स नो मी एज डज माई डॉग वी सिंपेथाइज एंड आई अफर्म माई एक्शन स्मैक्स ऑफ द सॉइल, मैं कल्पना करता हूँ कि जो पानी के पौंड हैं, वाटर की जो रिसोर्सेज हैं और उनके फार्म हाउस पे लगे हुए फ्लैग्स, ये सब मेरे अपने हैं और ये मेरे लिए इस तरह से वफादार हैं जैसे कुत्ता अपने मालिक के लिए रहता है। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब ये दर्शाया गया है, ये मेंटेलिटी दर्शाई गई है लोगों की कि वो कैसे बोलते हैं कि सभी चीज़ें, ये प्रॉपर्टी, ये बंगले, ये जो फार्म हाउस, ये सब मेरे हैं और ये मेरे रहने वाले हैं, इस तरह से जैसे कुत्ता एक इंसान के लिए वफादार रहता है। अब नेक्स्ट स्टेशन जा में हम
एक इसका रिप्लाई देखते हैं इमर्सन के द्वारा ही। पहले स्टेंजा में उन्होंने दिखाया है कि कैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ड या मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को इंसान के मतलब इंसान अपना बताता है, अपना अधिकार जमाता है। अब यहीं वो सेकंड स्टेंजा में रिप्लाई करते हैं, वेयर आर दीज मैन असलीप बीनीथ देयर ग्राउंड्स, ये लोग कहाँ चले गए। असलीप बीनीथ देयर ग्राउंड्स एंड स्ट्रेंजर्स फाउंड एज दे देयर फरोप्लो अर्थ लॉब्स इन फ्लावर्स टू सी हर बोस्ट फुल बॉइस अर्थ प्राउड प्राउड ऑफ द अर्थ विच इज नॉट देयर्स वी स्टीर द प्लो बट कैन नॉट स्टीर देयर फिट। तो ये लोग कहाँ हैं, ये लोग सब मतलब बीनीथ द ग्राउंड मतलब ख़त्म हो गए, इनकी डेथ हो गई। और जो अपने आप को ये मालिक समझते थे एक्चुअल में मालिक नहीं थे, अजनबी थे। और उन्होंने जो पृथ्वी को यानी प्रकृति को अपना बनाने की कोशिश की वो नहीं, एक्चुअली में उनका नहीं था, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए। अर्थ लॉब्स एट इन फ्लावर्स टू सी हर बॉस्टफुल बॉइस, जो पृथ्वी है वो देखती है फ्लावर्स से, फ्लावर्स की तरह, और इनके इन लड़कों पे इन लोगों पे हंसती है। अर्थ प्राउड प्राउड ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट देयर, और अर्थ बोलती है कि जो चीज़ जिस चीज़ को लेके तुम इतना ईगो करते हो, घमंड करते हो, तुम्हारा नहीं है, सब कुछ मेरा ही है। तुम हल्की दिशा बदल सकते हो लेकिन पृथ्वी की नहीं, मेरी नहीं। यानी यहाँ प्लो से मेटाफर का यूज़ किया गया है कि जैसे इंसान हल चलाता है तो उससे फसल उगाता है, दिशा बदल लेता है, स्टीयर कर देता है उसको, लेकिन पृथ्वी कहती है कि तुम वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको नेचर को या पृथ्वी को तुम अपना कभी नहीं बना सकते। क्लेबर ऑफ द ग्रेव दे एडिड रिज टू वैली ब्रॉक टू पॉन्ड एंड साइन फॉर ऑल दैट बाउंडेड देयर डोमेन। आगे इमर्सन कहते हैं कि लोग इंसान यानी मेटेरियलिस्टिक लोग घाटियों में रिज ऐड कर देते हैं, तालाबों से नदियां निकाल देते हैं, छोटी छोटी नहरें निकाल देते हैं, ठीक है। साइंड एंड साइन फॉर ऑल दैट बाउंडेड देयर डोमेन, और उनके जो क्षेत्र में जो भी चीज़ें आती हैं उनमें वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस सूट मी फॉर ए पेशर दैट्स माई पार्क, वो विचार करते हैं कि ये जमीन या ये जो प्रकृति में पृथ्वी पे जगह है यहाँ मैं चरागाह बना लूँगा, यहाँ मैं पार्क बना लूँगा। वी मस्ट हैव क्ले लाइम ग्रेवल ग्रेनाइट लेज, वो सब बोलते हैं या इन चिकनी मिट्टी या ये जो नाम दिए गए ग्रेनाइट लेज वगैरह, लाइम वगैरह, ग्रेवल, इन सब चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं कि ये कहाँ से हम निकालेंगे, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड मिस्टी लो लैंड वेयर टू गो फॉर पीट, पीट मतलब यहाँ जो पीट कोयला है उसकी बात की गई है, तो कहाँ कहाँ हम अपने लो लैंड बनाएंगे और हम कोयला कहाँ से निकालेंगे। द लैंड इज़ वेल लाइज फेयरली टू द साउथ, ये जमीन अच्छी है और अगर हम फार्म हाउस बनाएंगे या मकान बनाएंगे तो उसका साउथ की तरफ नॉर्थ की तरफ अगर फेस होगा तो अच्छा होगा। यानी यहाँ टोटल मेटेरियलिस्टिक जो कन्वर्सेशन होता है उसको डिस्कस किया गया है कि हम कैसे अपना फार्म हाउस बनाएं, ये जगह ठीक है नहीं है, इसको कैसे प्लान करें, कहाँ से हम जो मतलब और ये हैं खदान से निकलने वाली चीज़ें हैं उनको निकालें, अपना घर कहाँ बनाएं, किस दिशा में बनाएं, ये सब चीज़ें। द लैंड इज़ वेल यानी ज़मीन अच्छी है, लाइज फेयरली टू द साउथ, साउथ की तरफ इसका फेस रहेगा तो अच्छा रहेगा, इस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं। दिस गुड व्हेन यू हैव क्रॉस द सी एंड ब्लैक एंड बैक टू फाइंड द सिट फास्ट एकर्स वेयर यू लेफ्ट देम, इसके बाद अपनी ज़मीन के एकर्स सिट फास्ट एकर्स वेयर यू लेफ्ट देम, आप इसके बाद जब आप समुद्र पार करते हैं और वापस आते हैं तो आप अपनी ज़मीन को जहाँ पाते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं पाते हैं। तो यहाँ दो सेंस निकलते हैं, एक फिलोसफिकल सेंस भी है कि जब आपकी डेथ हो जाती है तो ज़मीन तब भी वहीं रहती है, और एक मेटेरियलिस्टिक हम बोल सकते हैं मैसेज भी है कि जो ज़मीन है कई बार हम उसके लिए इधर से उधर जाते हैं, प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ प्रॉपर्टी खरीदो। तो यहाँ फिलोसफिकल मैसेज इमर्सन देना चाहते हैं कि जब आप चले जाते हैं वैन यू क्रॉस्ड द सी मतलब आपकी डेथ हो जाती है तो बाकी लोग यानी आपकी जो जनरेशन होती हैं वो भी
या बाकी जो दुनिया होती है वो भी देखती है कि जो जमीन जहाँ थी वो वहीं मिलती है, वो कहीं नहीं जाती है, आप उसे नहीं ले जाते हैं। इसको हम सीधे सीधे शब्दों में समझे तो जो हमारी फिलोसफी बोलती है ये सब यहीं रह जाता है, तो वाला कॉन्सेप्ट। और क्योंकि हमारी जो ये फिलोसफी है, जैसे कन्वर्सेशन भी हमारे पुराण से लिया गया है, वो ये कहती है कि सब कुछ नहीं रह जाता, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। ठीक है। आहादल हॉट ऑनर सीज नॉट डेथ हु एड्स हिम टू हिज लैंड ए लंप ऑफ मोल्ड द मोर हियर वर्ड द अर्थ सेज। हॉट ऑनर से मतलब है यहाँ लालची किस्म के जो लोग हैं वो डेथ को नहीं देखते हैं, और वो हमेशा अपनी प्रॉपर्टी में, लैंड में कुछ ना कुछ ऐड करने का, उसे बढ़ाने का सोचते रहते हैं, जो लास्ट में क्या होता है सिर्फ एक कचरा बन जाता है इंसान के लिए। ठीक है। अब यहाँ एक और जो इसमें सीन क्रिएट होता है, अर्थ सॉन्ग आ जाता है, यानी अर्थ अब क्या बोलती है, ये इंसान की मेटरलिस्टिक सोच को दर्शाया गया है। अब यहाँ अर्थ सॉन्ग आ जाता है, माइंड एंड योर्स, माइंड नॉट योर्स, मेरा और तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, मेरा ही सिर्फ तुम्हारा नहीं। अर्थ एंड योर्स स्टेट्स अ वाइट साइन डाउन इन द ओल्ड सी, ओल्ड आर द सोर्स बट वेयर आर ओल्ड मैन। देखो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट होता है, पृथ्वी कहती है कि नहीं मेरा तुम्हारा नहीं सिर्फ मेरा। ठीक है। और पृथ्वी सब चीजों को अपने आप में समाये रखती है, अपने पे रखती है, और जो स्टार होते हैं वो इसकी इसके साथ रहते हैं, इसकी बातों को मानते हैं। डाउन इन द ओल्ड सी, ओल्ड आर द सोर्स, समुद्र तट पुराने हैं, मतलब समुद्र तट जो है वो जैसे थे ऐसे बने हुए हैं। बट वेयर आर द ओल्ड मैन, लेकिन जो पुराने लोग हैं कहाँ गए, मतलब यहाँ ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि जैसा समुद्र ऐसा रहेगा, आकाश में जो तारे हैं जैसे ऐसे रहेंगे, लेकिन लोग कहाँ हैं, पुराने लोग कहाँ हैं। आई हु हैव सीन मच सच हैव आई नेवर सीन, आई हु हैव सीन मच यानी उस व्यक्ति को जिसने मैंने ज्यादा देखा, सच हैव आई सीन नेवर, उसने मुझे कभी नहीं ज्यादा नहीं देखा। तो मतलब इसका मतलब यही हो जाता है कि वो इंसान जो पृथ्वी पे आके मेटलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है, तो लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो ये अर्थ सॉन्ग बोलता है, द लॉयर्स डीड रेन श्योर इन टेल टू देम एंड टू देयर हियर्स हु शैल सक्सीड विदाउट फेल फॉर एवर मोर। तो यहाँ क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, जैसे एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उस प्रॉपर्टी को उनको ट्रांसफर कर देता है कि ये अब इसको आगे से मेंटेन करेंगे, ये उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में वो फेल हो जाते हैं, ये उनकी भी प्रॉपर्टी नहीं होती है हमेशा के लिए, पृथ्वी को कोई भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाता है। हेयर इज द लैंड सैगी विद वुड विद इट्स ओल्ड वैली माउंड एंड फ्लड बट द हेरिटर्स, बट द हेरिटर्स फ्लीड लाइक द फ्लड्स फॉर्म द लॉयर एंड द लॉज एंड द किंगडम क्लीन स्विप्ट हेयर फ्रॉम। देखो ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, हेयर इज द लैंड सैगी विद वुड विद इट्स ओल्ड वैली माउंड एंड फ्लड। यहाँ क्या पृथ्वी का सॉन्ग है जी, अर्थ सॉन्ग। पृथ्वी कहती है कि यहाँ वही भूमि है, वही जंगल है। ठीक है। सैगी विद वुड्स, लकड़ियों से मतलब सजे हुए हम बोल सकते हैं, पेड़ों से सजे हुए। विद इट्स ओल्ड वैली, यहाँ पुरानी जो घाटियां हैं वो भी विद्वान है, वो भी उपस्थित है। माउंड एंड फ्लड, टीले और बाढ़ भी है। ठीक है। बट द इनहेरिटर्स, लेकिन वारिस लोग कहाँ चले गए। यहाँ पृथ्वी कहती है कि यहाँ सब कुछ है, जमीन है, जंगल है, घाटियां हैं, टीले हैं, बाढ़ है, लेकिन वारिस लोग कहाँ हैं, मतलब जो ससेक्सर होते हैं किसी प्रॉपर्टी के, वो कहाँ। फ्लीड लाइक द फ्लड्स फॉर्म, ऐसे भाग गए हैं जैसे बाढ़ के पानी से झाग फॉर्म निकल के चला जाता है। द लोअर एंड द लॉज एंड द किंगडम, लोअर यानी लॉ बनाने वाले, लॉ और किंगडम क्लीन स्विफ्ट हेयर फ्रॉम, यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया है, यानी यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। पृथ्वी बोलती है कि सब लोग चले जाते हैं, कुछ नहीं बचता है, बचता क्या है, वही जो नेचर की चीजें हैं, नेचर में जो दिखता है वही बचता है। दे कॉल्ड मी देयर्स, वे मुझे अपना बोलते हैं। हु सो कंट्रोल्ड मी, जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं करते हैं। येट एवरी वन विश टू स्टे एंड इज गॉन, लेकिन हर व्यक्ति जो रुकना चाहता है, जो जीना चाहता है, उसे जाना होता है।
हाउ आई एम देयर्स, फिर मैं उनकी कैसे हो गई। इफ दे कैन नॉट होल्ड मी बट आई होल्ड देम, जब मैं उनको, जब वो मुझे पकड़ ही नहीं सकते लेकिन मैं उनको पकड़ पाती हूँ, तो फिर मैं उनकी कैसे हो गई। पृथ्वी बोलती है ये चीजें। आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैंटास्टिक फिलोसफिकल पोएम। व्हेन आई हर्ड द अर्थ सॉन्ग आई वॉज नो लॉन्गर ब्रेव, जब मैंने पृथ्वी का गाना सुना, आई वॉज नो लॉन्गर ब्रेव, तो मेरी सब बहादुरी जाती रही। My awares cold, मेरी जो लालच था, मेरी इच्छाएं थी, वो खत्म हो गई। Like lust in the chill of the grave, जैसे ग्रेव यानी मृत्यु के टाइम पे व्यक्ति ठंडा पड़ जाता है, सेम तरह से मेरी इच्छाएं भी खत्म सी हो गई जब मैंने पृथ्वी का सॉन्ग सुना। तो ये पोएम है जो बड़ी मजेदार पोएम है, एक्चुअल में हमारे ये विष्णु पुराण से ली गई है। आई एम श्योर इसका जो अर्थ था, इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आप हमारी और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।